हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मज़े में हो गए और पॉजिटिव फील कर रहे हो गए। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव सड़क लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पार्टनर के इंटेंशंस क्या है आपके लिए और वो चाहते क्या है आपसे। करंट में इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ताकि जो कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो ये रिश्ता ठीक हो जाएगा ऐसा इनको लगता है। इनकी उम्मीद क्या है आपसे, हम वो देखेंगे, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है, एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थी तभी ध्यान ना दे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो इस वक्त आपके पार्टनर के इंटेंशंस क्या है आपके लिए, तो यस इंटेंशंस में तो आपके पास आने की प्लानिंग चल रहे हैं, ठीक है। इनकी नज़र कंप्लीट आपके ऊपर है और जो कि आपको कभी भी छोड़ना नहीं चाहता, आपके साथ ब्राइट फ्यूचर देखते हैं, रीयूनियन देखते हैं और जो इससे कि शायद हो सकता है कि आपको कहीं भी घुमाने लेके जाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है। आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है। नंबर 2 है यहाँ पे आपके आपके पार्टनर के बर्थ डेट में हो सकता है, तो इंटेंशंस तो करंट में बहुत ज़्यादा प्योर है। आपको जैसे कि अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, ठीक है, आपके बिना ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, ठीक है। इंटेंशंस में ये है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से बताना चाहते हैं कि वो आपसे कभी तो पास में चीट करके गए थे, भाग के चले गए थे, तो जो कि ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि पहला ही कार्ड आया था कि आपका इंतज़ार कर रहे, आपके पास आना चाहते हैं और यही पर्सन आपसे भाग के गए थे और वापस लौटना चाहते हैं, क्योंकि इनको अब ये रियलाइज़ हो चुका है कि मतलब कि जहाँ पर भी गए थे वहाँ पर गलत जगह पर जाके पहुँचे थे। ये रियलाइज़ होने के बाद अब वो वहाँ से भी भाग रहे, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। इनकी आपके ऊपर कंप्लीट नज़र है, आपकी ज़िंदगी के ऊपर, आप किससे मिल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये सब इन सब बातों के आपके पार्टनर करंट में खबर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ये पता नहीं है क्योंकि ये एनर्जी जो कि चोरी छुपी वाली है, ठीक है, चोरी छुप के ये सब कुछ कर रहे हैं और आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके पास जैसे कि आने के लिए कंप्लीट रेडी हो चुके हैं और जैसे कि आप इनको ईगो ना दिखाए, इस तरह के एनर्जीज हैं। तो ये इनके इंटेंशन है जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। हम देखते हैं इस वक्त ये चाहते क्या है आपसे, ट्रू मैसेज दे यूनिवर्स, इस वक्त इनकी उम्मीद क्या है मेरे यूवर्स से, मेरे यूवर्स को ऐसा क्या करना चाहिए इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, ऐसा इनके पार्टनर को लगता है करंट में, ट्रू मैसेज दे। आपके पार्टनर स्ट्रांगली एरीज और सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि के हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी यहाँ पे मिथुन तुला कुंभ राशि के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपसे क्या चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, इनको ऐसा लगता है, देखिए इन्होंने आपको इनको लगता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं लेकिन आप इनको जैसे कि बहुत इग्नोर करते हो। इन्होंने आपके लिए हर एक चीज़ कर ली है ऐसा इनको लगता है, इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए हर एक चीज़ कर रही है लेकिन आप इनको बिल्कुल भी समझना ही नहीं चाहते। तो ये चाहते हैं कि आप इनके प्यार को समझो और ये आपके साथ डेफिनेटली जस्टिस करेंगे। आप जो जस्टिस इनके पीछे लगा के बैठे हो कि मेरे साथ तूने ये किया वो किया, ये गलत है वो गलत है, तू कब ठीक करेगा, तो आप मतलब झगड़ रहे हो अपने जस्टिस के लिए। तो ये चाहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है, जो कि आपके आपसे बहुत प्यार करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, चाहे जो हो जाए दुनिया की कोई ताकत इनको आपसे जुदा नहीं करेगी, इस बात के ऊपर आपको भरोसा करना है। आपके बिना बहुत ज़्यादा अधूरे हैं। ये चाहते हैं कि आपको जो आपको लगता है ना कि ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, तो आप ये मत सोचो, आप ये सोचो कि आपके बिना अधूरे मर रहे हैं आपके लिए, और जो कि आपके लिए जो भी एफर्ट्स लगा रही है इस वक्त करंट में आपको जो भी बता रहे हैं ना वो सब ट्रू है और आपको इनके ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है, ऐसा इनको लगता है। आप इनके साथ इनजस्टिस कर रहे हो, यहाँ पे इनजस्टिस आपके साथ हुआ है, इन्होंने आपको धोखा दिया था, लेकिन करंट में इनको ऐसा लग रहा है कि आपका जो बिहेवियर है वो बिहेवियर इनको तकलीफ बहुत ज़्यादा दे रहा है, जो कि इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो अब मुझे जस्टिस की ज़रूरत है, तो क्या तू मेरे साथ जस्टिस करेगी, ये इस तरह से सोच रहा है। ये चाहते हैं आपसे कि आप इनके साथ जस्टिस करो और वो जस्टिस तब होगा जब आप इनकी बात मानोगे, इस तरह की एनर्जी से। ओके, ये आपको ये भी बताना चाहते हैं करंट में कि ये आपको डिले अगर करा रहे हैं, आपसे अगर बात नहीं कर रहे हैं, अगर आपको वेटिंग एनर्जीज में डाल दिया है, तो ये आपको किसी के साथ बैलेंस करने की कोशिश 100% कर रहे हैं। एक बार वहाँ पे सब ठीक हो जाए तो आपसे बात डेफिनेटली करेंगे, आपके लिए एक्शन भी लेंगे और जो कि आपके साथ जस्टिस भी करेंगे।
तो आपसे उम्मीद बस इतनी है कि आप इनके साथ इनजस्टिस ना करें, इनको समझने की कोशिश करें। अगर आपके पार्टनर करंट में आपसे थोड़ी बहुत भी बात करते हैं, ऑन एंड ऑफ चल रहा है, और अगर आपको लगता है कि आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं, तो ये झूठ शायद इसी वजह से बोल रहे हैं ताकि सच जानने के बाद आप और ज़्यादा गुस्सा हो जाओगे, ठीक है। तो यस, आप इनको इनके ऊपर भरोसा करें और जो कि इनके साथ जस्टिस करें। करंट में यही चाह रहे हैं आपसे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप पेंटाकल्स का कार्ड क्यों यहाँ पे यूनिवर्स, देखते क्या निकल के आता है। यस, ये जो भी है बताना चाहेंगे आपसे, लेकिन अगर ये बताते हैं तो जो कि आप इनसे इनको गुस्सा करोगे, इग्नोर करोगे और ज़्यादा नेगेटिव बोलोगे। इस तरह की एनर्जी, इसी वजह से आपको अपने दिल की बात बताना नहीं चाहते कि इनके दिल में करंट में क्या चल रहा है, ठीक है। क्योंकि आपका इग्नोरेंस पहले भी नहीं झेल पाते थे और करंट पे भी नहीं झेल सकते। इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है ये बताने की कि ये इस थर्ड पार्टी के साथ, जो भी इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, आपको पता है ये रोमांटिक भी हो सकती है, इनके घर वाले भी हो सकते हैं, उनके साथ बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और जो भी आपको जस्टिस देकर रहेंगे। तो आपको भी इनके साथ जस्टिस करना है, आपको इनको लेके पॉजिटिव सोचना है और जो कि इनके ऊपर गुस्सा नहीं करना है। करंट में यही चाहते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, हम देखते हैं आपके करंट में फीलिंग्स क्या है इनके लिए। ट्रू मैसेज दी यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या है इनके पार्टनर के लिए। यस, आप रीयूनियन चाहते हो, शादी करना चाहते हो, आपको लगता है कि उन्होंने आपके साथ जो भी किया था, पास्ट में चीटिंग की थी, तो ये आपके आपसे जैसे कि उनके लिए माफ़ी मांगे और जो कि आपको ये बताए कि वो आपको लेके बिल्कुल भी जो कन्फ्यूज रहना जिसमें है ना, तो इनका कन्फ्यूजन हट चुका है और जो कि आपके साथ जैसे कि इमोशनली कनेक्ट होने के लिए रेडी है, आपसे शादी करने के लिए रेडी है। ऐसा कप्स का कार्ड है यहाँ पे। आप इनको दिल से इनके प्यार का, आप अपना प्यार का कप इनको ऑफर करना चाहते हो। आप आज भी इन्हीं के इंतज़ार में हो, भले आपके पास करंट में बहुत सारी चॉइसेस हैं, लेकिन फिर भी आप किसी चॉइस को नहीं देखना चाहते, आप किसी और को चूज ही नहीं करना चाहते। आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को अपने प्यार का कप ऑफर करना चाहते हो, इन्हीं से रीयूनियन करना चाहते हो। आपको इनसे सोलमेट फ्यूम फ्यूम कनेक्शन फील होता है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल, लेकिन मेरा रीयूनियन होगा ज़रूर, इस तरह की एनर्जी से, ठीक है। तो आपकी फीलिंग्स है, आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है इस वक्त। ट्रू मैसेज दी यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। यस, आपको जैसे कि एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। एफर्ट्स आपके साइड से यही होगी जो कि आप इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी करना चाहो आपको म्यूचुअली करना है। वो जो कह रहे हैं ना उसको समझने की कोशिश करो और एफर्ट्स लगाओ, या एंजल गाइडेंस में आए, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराने, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल किससे बुक करने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।